डियर स्टूडेंट्स, निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जेई का एग्जाम आप लोगों का प्रीपॉन्ड हो चुका है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता था कि ये एग्जाम आप लोगों का नेक्स्ट ईयर होना था, अब ये एग्जाम आप लोगों का इसी ईयर हो रहा है और इसी ईयर आप लोगों का नवम्बर मंथ में आप लोगों को ये एग्जाम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप अभी तक रुके हैं या आप ये सोच रहे थे कि नेक्स्ट ईयर में एग्जाम होगा तो आराम से पढ़ेंगे, आराम से नोट्स को रिवाइज करेंगे, तो अब आपने ऐसा नहीं करना है। अब आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। आपने अच्छे से अपने मॉक टेस्ट देने हैं, अच्छे से आप लोगों ने रिविजन करना है, ठीक है। चीजों को आप लोगों ने बार बार रिवाइज करना है। अगर आप ये सोच के बैठे थे अभी तक कि नेक्स्ट ईयर पेपर है, आराम से पढ़ेंगे, तो अब ये नहीं सोचना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्रेशर्स किस तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं और ड्रॉप ईयर स्टूडेंट जो हैं वो किस तरीके से अब पढ़ सकते हैं या किस तरीके से वो रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को, किस तरीके से उन्हें मॉक टेस्ट देना चाहिए, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए अगर हम एसएससी जे एग्जाम की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है प्रीपॉन्ड हो चुका है। एग्जाम कैलेंडर अब आप लोगों के सामने है। एग्जाम कैलेंडर एसएससी ने दे दिया है, जिसमें एसएससी जेई का जो एग्जाम है वो आप लोगों का आपका नवंबर में दे दिया गया है, राइट। तो आप लोगों को मन पूरा तरीके से फाइनल है कि आपके नवंबर मंथ में ही इसका एग्जाम होगा। नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग डिस्कस करें फ्रेशर्स स्टूडेंट्स और ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स के बीच में, हम लोग जनरली डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रेशर्स को किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है और ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। देखिए, अगर फ्रेशर्स स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्होंने इस शॉर्ट टाइम पीरियड में, क्योंकि देखो टाइम अब बहुत कम है, आप सभी लोगों को पता है कि नवंबर में जब एग्जाम की डेट आ चुकी है तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ का टाइम है। तो इन 4 मंथ में अब आप लोग किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से आप लोग मेहनत करें और किस तरीके से आप लोगों को सिलेक्शन मिले, इस चीज में आप लोगों ने वर्क करना है। तो देखिए, अगर हम लोग फ्रेशर्स स्टूडेंट्स की बात करें तो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न रहता है। पेपर पैटर्न में अगर हम बात करें तो पेपर 1 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस और साथ ही साथ जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग का मतलब देखो, आप लोगों को पता है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो सिविल के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको मैकेनिकल के क्वेश्चंस नजर आएंगे, और इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस नजर आएंगे। और देखो, वेटेज की अगर बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को, अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो 50 मार्क्स आप लोगों का मैक्सिमम रहता है। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस में आप लोगों का 50 मार्क्स रहता है, और जनरल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो 100 मार्क्स आप लोगों का मैक्सिमम रहता है। अगर आप लोग टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का आप लोगों को टाइम दिया जाता है। ये तो बात है पेपर 1 की। इसी में आप लोगों का पेपर 2 भी होता है, जो कि कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, एंड देन उसके बाद कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। आपको पता है डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, और लास्ट में आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो ये था पेपर पैटर्न। और अगर आप फ्रेशर्स हैं तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि एक बार आप लोग अभी जस्ट आप पास आउट हुए हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि चीजें तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, राइट, कॉलेजेस में पढ़ी हैं, चाहे आपने डिप्लोमा किया है या चाहे आपने बीटेक किया है। अब बात है कि क्वालिटी कंटेंट को पढ़ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना, तो उस तरीके से आपने अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाने हैं उसी के अकॉर्डिंग, राइट। तो देखो, अगर हम लोग बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 के लिए अभी आप ना सोचें, क्योंकि अभी आप पेपर 1 के लिए आप लोग अच्छे से टारगेट करो। एक बार पेपर 1 में आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर ले जाओगे तो ऑटोमेटिक पेपर 2 के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो काफी अप रहेगा। फिर उसमें आपने जस्ट क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए आपको इनफ टाइम मिलेगा। लेकिन आपका पेपर 1 ऐसा जाना चाहिए कि आप 100% श्योरिटी के साथ रहें कि आपका पेपर 1 क्लियर है, मींस कट ऑफ आपकी क्लियर है, और अब आप लोग को पेपर 2 को देना है, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस कब डेवलप होगा आप पे, जब आप पेपर 1 को अच्छे से टारगेट कर ले जाओगे और जब पेपर 1 में आपका अच्छा स्कोर होगा, राइट। चलिए आगे देखो, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, जो एकदम फ्रेशर्स स्टूडेंट्स है, अभी अभी पास आउट आप लोग हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना शेड्यूल बनाना है, ठीक है। आपने शेड्यूल बनाना है डेली रूटीन पे, डेली बेसिस पे आपने शेड्यूल बनाना है, एंड देन उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। आप सभी लोगों को पता है कि जनरली शेड्यूल, टाइम टेबल हर कोई बनाते हैं,
लेकिन काफ़ी कम स्टूडेंट्स होते हैं जो उसे फॉलो करते हैं, और फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिलेक्शन भी कम ही लोगों का होता है, और उन्हीं का ही होता है जो कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी के साथ अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं कि अगर उन्होंने आज के दिन में लिखा है कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है और इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस लगाने हैं, तो वो डेफिनेटली उस टारगेट को पहले कंप्लीट करते हैं, देन फिर कोई दूसरा काम करते हैं। आपने कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं रखने हैं कि ये काम इसलिए नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट इसीलिए कंप्लीट नहीं हुआ। आपने अपना 100% फोकस आपने अपने एग्जाम्स पे रखना है, अपनी तैयारी पे रखना है, और साथ ही साथ जो आप लोग फिक्स कर रहे हैं कि आज के दिन में इतने आवर्स आपने पढ़ना है, ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, उसको प्रॉपर ढंग से आपने कंप्लीट करना है। आगे देखो, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं ओनली फ्रेशर्स के लिए। इसमें देखो हम बात करें तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से कंटेंट को पढ़ना है, रिवाइज करना है, और साथ ही साथ बहुत अच्छे से आपने टेस्ट लगाने हैं। तो टेस्ट तो लास्ट में लगाओगे आप लोग, पहले कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर करो, देन उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, एंड देन आपने टेस्ट पेपर्स आपने देने हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स। ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स का मतलब क्या है कि सपोज एक दो साल आप लोगों को तैयारी करते हुए हो गए, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको थोड़ा सा और लंबा टाइम हो, और लंबा टाइम लग गया हो, और वो इस वजह से भी हो सकता है कि सपोज काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जॉब करते हैं, राइट? तो जॉब करने की वजह से कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर अपना 100% नहीं दे पाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को अब क्या करना है, क्योंकि उनको पता है कि उनका कंटेंट तो प्रिपेयर है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके पास नोट्स तो बने हैं, बस ये है कि अब उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, और उतने ही अच्छे ढंग से क्वेश्चंस लगाने हैं जिससे कि आप लोगों को सिलेक्शन मिल सके। तो इसी में देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, देखो जो ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एक मोटिवेशन लेवल है, जो आपने अभी तक थोड़ा सा पढ़ाई छोड़ दी है, या आप थोड़े से ढीले पड़ गए हो कि अब पेपर नेक्स्ट ईयर होगा, तो वो सब क्या हो जाएगा, आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से रिवाइज करना है, और साथ ही साथ आपने अच्छे से मॉक टेस्ट पेपर्स को देना है। बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती है कि मॉक टेस्ट पेपर देकर अब आप कुछ ना करें। मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद आप लोगों ने अपनी प्रोग्रेस देखनी है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितना अब आपको और नीड है कि आप लोग और अच्छे से कर पाए, राइट? साथ ही साथ जो गलतियां आप कर रहे हैं, क्योंकि जो सही क्वेश्चन है उसके 101% चांस होते हैं, ये मैं आपको जरूर बोलूंगी कि 101% चांस होते हैं कि वो पेपर में भी करेक्ट हो जाएगा। गलतियां वहां पर होती है जहां पर हम मॉक में भी गलतियां करते हैं, हम वही मिस्टेक्स कर रहे हैं और उसी मिस्टेक्स को हम नेक्स्ट मॉक में भी रिपीट कर रहे हैं, और जब लास्ट में हमारा जो पेपर है वहां पर भी वो मिस्टेक्स आप लोगों की रिपीट हो रही है। तो इसको आपने क्या करना है, अपनी मिस्टेक को अच्छे से एनालाइज करना है। नेक्स्ट, जो मिस्टेक्स आप लोगों की हुई है उसके लिए आपने प्रॉपर ढंग से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि जो मिस्टेक्स हुई है उसको अगर आप लिखोगे, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओगे और बार बार रिवाइज करोगे, तो वो गलतियां जो सुधरने के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, और यहाँ से मिस्टेक्स आपकी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, राइट? नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो डिस्कशन था आप लोगों का कि जो ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स हैं और जो एकदम फ्रेशर्स हैं वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि अब एग्जाम डेट बहुत पास है। अब हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो 4 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन देखो पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर हेल्थ ठीक है तो पढ़ाई करने में भी मन लगेगा, या कोई भी काम करने में आपका मन लगेगा। लेकिन अगर हेल्थ इशू है, ठीक है, आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो हम पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर सकते, या फिर कोई भी दूसरा काम हम नहीं कर सकते। तो आपने देखो प्रॉपर ढंग से आपने पहले तो नींद लेनी है अच्छे से। अगर आप सो गए, एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कहा जाता है कि 7 to 8 hours की तो नींद लेनी ही चाहिए, क्योंकि जब माइंड फ्रेश होगा तभी तो हम माइंड से काम कर पाएंगे, तभी तो हमारा दिमाग चलेगा, तभी तो हम क्वेश्चंस लगा पाएंगे, तभी तो हम चीज़ों को सीख पाएंगे, राइट? तो देखो इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आपने प्रॉपर ढंग से अपना सोना है, प्रॉपर ढंग से आपने नींद लेनी है, साथ ही साथ अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता है जितना भी स्टडी मटेरियल्स है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे नज़र आ रहा है,
ठीक है, और आगे भी आने वाले टाइम में भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग करी गई है, बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए टाइम टेबल बनाए गए हैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की क्लासेस के लिए। तो वो सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी जिससे कि आप लोग क्लासेस को फॉलो करके अपनी तैयारी को आप लोग बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं, राइट। चलिए और देखिए, एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि आपने अब कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं और कल के भरोसे में चीजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपने आज से और अभी से ही अपनी तैयारी करना स्टार्ट करना है, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कल का मीन्स होता है कि वो कभी नहीं आने वाला, राइट। तो आपने आज से और अभी से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। आपने इतनी अच्छे से मेहनत करनी है, इतने अच्छे लगन से आपने चीजें करनी है कि आप लोगों को वो मुकाम जरूर हासिल होगा, राइट। जिस ऊंचाइयों में आप पहुंचना चाहते हैं वो मुकाम आपको जरूर हासिल होगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों ने हार्डवर्क जरूर करना है। आप सभी को पता है हार्डवर्क करने में आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हम हार्डवर्क कर रहे हैं और इसका हमें फल नहीं मिल रहा, लेकिन आपने ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि फल हमेशा मीठा ही आपको मिलेगा, फल हमेशा आपको स्वीटेस्ट ही मिलेगा, राइट। तो मेरे आप लोगों से उम्मीद है, मुझे आप लोगों से पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे और अपनी पढ़ाई में कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं दोगे। आप कल के भरोसे आपने कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी है, सारी ही चीज़ें आप लोगों ने आज ही अच्छे से करनी है जिससे कि आने वाले टाइम में आप लोग जो चीज़ को चाहते हैं, जो टारगेट आप लोगों ने अपनी लाइफ में सेट किए हैं, उसको आप लोग अचीव कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्योंकि इस वीडियो में तो हमने जस्ट डिस्कस किया कि अगर आप फ्रेशर्स हैं या आप ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स हैं तो आपने कैसे पढ़ाई करनी है, राइट। अब बात यह है कि काफ़ी लोगों के माइंड में होगा कि क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ जाती है, क्योंकि अगर हमें कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर डेटा का पता हो कि प्रीवियस ईयर में इस तरीके से कट ऑफ जाती है तो उसी तरीके से हम अपनी तैयारी को क्या रखेंगे, उतना ही स्ट्रांग रखेंगे कि अगर हम इस ईयर तैयारी कर रहे हैं तो हमें लास्ट ईयर का पता होना चाहिए कि किस तरीके से वेटेज रहता है, ठीक है। अगर मैं सब्जेक्ट वेटेज की बात करूँ, कौन से सब्जेक्ट को हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ना है और साथ ही साथ किस में हमें ज़्यादा फोकस करना है और किस तरीके से हमने अपना टोटल स्कोर रखना है, तो इन सब को डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों ने निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना है जिससे कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। तब तक आप लोग इंतजार करिए, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।